हेलो फ्रेंड, तो आज मैं घर पे बनाने वाली हूँ पिज्ज़ा कप्स। तो इसको बनाने की प्रोसेस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत ही मज़ेदार डिश है, तो चलिए इसको बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और साथ ही आधी कटोरी तक रवा, और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच तक मैंने इसमें मैदा भी ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, और ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, तो डबल एक्शन का पाउडर है, और इसको 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ ऐड कर देंगे 1 चम्मच तक शक्कर। जितना हमें बेकिंग पाउडर यूज किया है उसी का आधा हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच तक फ्रेश दही, और ये 2 चम्मच तक रिफाइंड ऑयल, और ये सारी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हल्का सा गर्म पानी ऐड करके और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि पिज्ज़ा के लिए डो तैयार करते हैं, तो ये गेहूं के आटे का है तो और ज़्यादा हेल्दी है। तो ये देखिए इसका डो रेडी है, और अब हम इसकी छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे। तो इस साइज़ की लोई ले लेंगे इसकी, और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, और बिल्कुल इस तरह से रोटी की तरह पतला बेल लेंगे, क्योंकि हम इसे कप में और माइक्रोवेव में पकाने वाले हैं जिससे कि अच्छे से बेक हो जाए। तो इस तरह से कप केक की एक टिन ले लेंगे, या आप इसे कटोरी पे भी आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से कटोरी से इसको कट कर लेंगे जिससे कि इसका शेप जो है वो अच्छे से आ जाए। और अब सारे कप्स में इस तरह से थोड़ा सा बटर लगा देंगे, और इस तरह से इस रोटी को इसमें सेट कर देंगे। तो ये हमारे पिज्ज़ा का कप रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमें सारे ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो मैं एक आपको और इसको सेट करके दिखा देती हूँ, और ये देखिए इसको इस तरह से इस पर सेट कर देना है। तो आप ये प्रोसेस को कटोरी पे भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं तो आप इसे कढ़ाई में कटोरी को रख के और इसे आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे कप्स इसके तैयार कर लेना है। और अब यहाँ लेंगे हम 50 ग्राम तक पनीर, यानी कि 50 ग्राम्स पनीर, और इसको बिल्कुल महीन चॉप कर लेना है। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पनीर हमने इस तरह से कट कर लिया है इसको। और अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे, और अब यहाँ बारीक कटी हुई सारी सब्जियाँ लेंगे। तो आप इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं इस तरह से इसको फाइन चॉप कर लीजिए और इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने थोड़ी सी ब्रोकली ऐड कर दिया है इसमें, और अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच तक पिज्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेसिल, और इसमें ऐड कर देंगे ओरिगेनो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और ये ब्लैक पेपर पाउडर। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, और ये मैंने इटालियन ओरिगेनो लिया है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी पिज्ज़ा की स्टफिंग भी रेडी है, और ये कप्स भी रेडी हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ बटर चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे जिससे कि इसका कलर जो है वो भी अच्छा दिखेगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा इसकी निकली हुई कटोरियां हैं तो ये हार्ड नहीं होंगी। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस नीचे ऐड कर देंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे, और अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच तक स्टफिंग इसमें फिल कर देंगे। तो इस तरह से सारे कप्स में स्टफिंग को फिल कर देना है बिल्कुल इस तरह से, और अब इसके ऊपर से चीज ऐड कर देंगे। और अब इसके ऊपर से एक एक ओरिगैनो लीव्स इसमें रख देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पिज्ज़ा कप्स रेडी हैं, और अब चलते हैं इसको बेक करने। तो हमने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया है पहले से ही,
और अब इसको 200 डिग्री में 9 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। तो आप इसे एक बार 9 से 10 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कच्चा दिखता है तो आप इसे दोबारा और 2 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 मिनट में बेक हो जाएगा। मैंने इसको कन्वेक्शन में बेक करने के लिए रखा है तो ये 9 मिनट में कंप्लीट बेक हो जाता है। और ये देखिए, ये हमारे कप केक्स रेडी हैं। तो ये अच्छे से बेक हो गए हैं और मैंने इसमें नीचे से बटर लगा दिया था ना, तो ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है और इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं इसको सर्व करने। तो ये देखिए, ये हमारे पिज्जा कप्स रेडी हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार डिश है और इसका जो साइज है वो भी छोटा है, तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां भी मिक्स है और साथ ही गेहूं के आटे का बना हुआ है, पनीर भी ऐड है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बच्चों को आराम से खिला सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बेक नहीं कर रहे हैं तो आप इसे कढ़ाई में भी कटोरियों में रख के इसे आराम से बना सकते हैं। तो ट्राई दिस रेसिपी एंड लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।